रात्रि क्लास चल रहा था, 19/6/1966 तीसरे पेज के अंत में बात चल रही थी कि एक तरफ भागीरथ दिखलाते हैं अर्थात भाग्यशाली रथ, दूसरी तरफ रथ की जगह घोड़े गाड़ी दिखलाते हैं गाड़ी कहो रथ कहो बात तो एक ही है, लेकिन उस रथ को या गाड़ी को चलाने वाले चार घोड़े दिखाते हैं। और तीसरी तरफ बैल भी दिखाते हैं, कि बैल पर सवारी करते हैं, बैल तो अड़ियल को कहा जाता है, अड़ जाता है, तो देखो कितनी बातें सुनाते हैं। और है सहज राजयोग सिखलाने वाला, अभी किसी को कुछ भी पता नहीं है कि बैल है, भाग्यशाली रथ है या चार घोड़ों की गाड़ी वाला है, क्यों पता नहीं है। हम भगवान तो उसको कहते हैं, और वो भगवान कहते हैं कि मैं इस रथ द्वारा आता हूं, बस ड्रामा में दूसरा कोई रथ है ही नहीं। फिर ड्रामा में तुम बच्चों बगैर जो भी ब्राह्मण हो, ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मणों की पर और कोई भी देवता बन नहीं सकते हैं। ये ड्रामा की नूद है, तो तुम ब्राह्मण कितने थे, जिनके बगैर कोई भी देवता नहीं बन सकते हैं। कितने थे, अरे तुम ब्राह्मणों बगैर तुम किसको कहा जाता है, सन्मुख वालों को तुम कहा जाता है। तो तुम ब्राह्मण बिगर जो कोई भी देवता नहीं बन सकते हैं, वो ब्राह्मण कितने थे, अरे बस 16,000 ही सन्मुख होते हैं, हैं? हाँ
4.5 लाख तो प्रत्यक्ष शरीर में होते हैं और 4.5 लाख उस शरीर में प्रवेश करके वो आत्माएं पार्ट बजाती हैं। तो टोटल कितने बच्चे हैं ब्राह्मण, जो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं? 9 लाख। बाकी सतयुग में आने वाले, त्रेता में आने वाले देवता नहीं बनते हैं, हैं? हाँ, कम कला वालों को पक्का देवता नहीं कहा जा सकता। जैसे नौकुरियों के ब्राह्मण हैं, पक्के ब्राह्मण तो उन्हें कहेंगे जो पहली कुरी के, अल्लाह बल्दीन के बच्चे हैं, जो अल्लाह करके अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना करता है। कौन से वंशी हुए? वो सूर्यवंशी बच्चे हैं। तो ये ड्रामा की नूद है क्या है कि तुम 9 लाख ब्राह्मण सो 9 लाख देवता बनते हो। तो इन बच्चों को जो आज आई हैं, थोड़ी जास्ती बच्चियां, इनको बहुत शौक चाहिए कि हम शिव बाबा के साथ में जितनी इस मनुष्य सृष्टि की खिदमत करेंगे, उनको पतित से पावन बनाएंगे, इतना हमको बाबा से या हम खुद ही ऊंच पद पाएंगे। क्या शौक चाहिए है? शौक चाहिए कि हम शिव बाबा के साथ में इस मनुष्य सृष्टि की जितनी खिदमत करेंगे और जितनों को पतित से पावन बनाने में मदद करेंगे, उतना ही ऊंच पद पाएंगे। तो ऊंच पद का मदार क्या हुआ? सेवा, खिदमत। इसलिए तुमको खुदाई खिदमतगार कहा जाता है। ১৯৬৬ की रात्रि का 4वां पेज। अभी तुम्हारी बुद्धि में होना ही ये चाहिए। क्या बुद्धि में क्या होना चाहिए? सेवा, सेवा और सेवा, दूसरी बातों की छुट्टी। ये क्या बात हुई? हमारे तो 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, और सेवा तो 4वें नंबर पर रखा हुआ है, ज्ञान तो 1वें नंबर पर रखा हुआ है। फिर और बातों की छुट्टी क्यों कर दी है? सर्विस करने वाले बच्चों को बाद में लगता है, हैं? सर्विस करने वाले हाँ, जो जितने जास्ती सर्विसेबल होते हैं उनको भगवान बाप खुद याद करते हैं। जिसको भगवान बाप याद करे उसकी याद तो
कितनी पक्की हो जाएगी, क्योंकि दिल से दिल को राहत होती है। तो याद का सब्जेक्ट भी समाया हुआ है काय में, सेवा में, और जो याद में तीखे होंगे आत्मा की याद और परमपिता परमात्मा की याद। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है तो अपन आत्मा भी सूक्ष्म और आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा भी अति सूक्ष्म। तो सूक्ष्म को याद करने से क्या होगा हैं? हाँ, सूक्ष्म को याद करने से आत्मा जो मन बुद्धि वाली है वो अति सूक्ष्म बनेगी और ज्ञान की सूक्ष्म गहराइयों को पकड़ेगी। ये प्रैक्टिकल प्रूफ देखने को मिल सकते हैं ब्राह्मणों की दुनिया में कि जो जितने ज्यादा सेवाधारी होते हैं उनका मनन चिंतन मंथन उतना ही जास्ती चल जाता है। तो ज्ञान की भी छुट्टी, किन किन बातों की छुट्टी हो गई, याद के सब्जेक्ट की भी छुट्टी और ज्ञान के सब्जेक्ट की भी छुट्टी, फिर क्या रह गया? धारणा। बाबा कहते हैं जितना तुम दूसरों को सुनावेंगे उतनी तुमको स्वतः ही धारणा होती जाएगी। दूसरों को कहेंगे घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा को याद करो, तो अपन को भी नहीं तो लज्जा आएगी, अरे हम तो याद नहीं करते हैं, और दूसरों को कहते हैं बाबा को याद करो। तो चारों सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं काय में, सेवा में। उसमें भी किसमें? सेवा करने वालों में कुमारियां तो बिल्कुल ही छूटी हुई हैं। क्या कहा है? किस बात से छूटी हुई हैं? और बिल्कुल ही क्यों? कुमार क्यों नहीं, अधर कुमार क्यों नहीं, अधर कुमारियां क्यों नहीं छूटी हुई है? कुमारियों को ही क्यों कहा कि बिल्कुल ही छूटी हुई है? हैं? हाँ, अधर कुमारी माताओं को तो बंधन होता ही है। कुमार और अधर कुमार उनको बता दिया दुर्योधन दुशासन, तो पुरुषार्थ में जरूर कुछ कमी आएगी। कुछ पूर्वजन्मों का ऐसा हिसाब किताब है जो उनको पुरुष चोला मिल गया, तो बची कुमारियां। कुमारियां चारों सब्जेक्ट की मेहनत में बिल्कुल छूटी हुई है, उनको वास्तव में अभी क्या नौकरी करनी है? किनको? अभी माने कब? और जन्मों की बात नहीं बताई, अभी संगम की बात बताई। क्या वास्तव में नौकरी करनी है कुमारियों को? है नहीं बच्ची?
क्यों बाबा नौकरी कराते हैं बच्चों की? ये चिन्ह देख करके, मेहनत देख करके कि चल सकेंगी या नहीं चल सकेंगी। क्यों को नौकरी कराते हैं? है कुमारियों में भी उनको नौकरी कराते हैं जिनको बाबा कुछ है, इनके ऊपर कुछ शक आता है। कि लौकिक दुनिया में इनकी आदत खराब हो चुकी है, कहीं खराब तो आदत नहीं हो चुकी है, तो बाबा को शक आता है ये चल सकेंगी या नहीं चल सकेंगी। न चल सके तो भला अपनी पढ़ाई में तो हो, उस पढ़ाई का फायदा तो उठाएं, जा करके नौकरी तो करें। है तो किन बच्चियों से नौकरी कराते हैं? है हाँ, क्योंकि बाबा तो अंतर्यामी है ना। कौन सा बाबा? ऊपर वाला बड़ा बाबा या छोटा बाबा? वो तो अंतर्यामी है, और जो साकार है वो बहिर्यामी है, बाहर की चलन से जान सकता है, पोता मेल से जान सकता है। किसी के अंदरूनी बात, इसलिए बाबा कहते हैं कि जिनकी आदत खराब हो चुकी है आज की बिगड़ी हुई दुनिया में, पहले ही माँ बाप इतनी संभाल नहीं कर सके हैं, तो उनको अगर सरेंडर कर देंगे और सरेंडर करके सदा काल के लिए अंदर रख देंगे तो उनको किसकी याद आती रहेगी? बाहर की दुनिया की नहीं, कन्या के जीवन में जिसकी पहली छाप पड़ती है उसकी याद भूलती नहीं है, तो अंदर आकर के वाइब्रेशन खराब करती रहेगी। इसलिए नौकरी करे, नौकरी तो करे। तो इसलिए बच्चों को कहते हैं, हाँ हाँ तुम बच्चों को पढ़ना है वास्तव में, क्या कहा? किनको वास्तव में पढ़ना है? तुम बच्चों को वास्तव में पढ़ना है, नहीं तो कन्याओं को नौकरी करनी है क्या? कन्याओं में तो जन्मजात पवित्रता के संस्कार होते हैं, और दुनिया के सारे काम किससे होते हैं? हैं? पवित्रता से होते हैं। अगर ऐसा न होता तो ऊपर से आने वाले जितने भी धर्म पिताएं हैं वो सब पवित्र आते हैं या अपवित्र आते हैं? पवित्र आते हैं। पवित्र आते हुए भी जिस तन में प्रवेश करते हैं वो पुरुष तन होता है या स्त्री चोला होता है? और पुरुष सब दुर्योधन दुशासन। तो पवित्रता की वो पावर न होने के कारण वो कोई भी धर्म पिताएं दुनिया को
सुख की दुनिया है नहीं बना सकते, स्वर्ग की दुनिया नहीं बना सकते। और शिव बाबा स्वर्ग बनाते हैं, बलपति तन में आते हैं, परंतु पति तन भी यज्ञ का प्रैक्टिकल कार्य करने के लिए किसका आधार लेता है, है? कन्याओं का आधार लेता है। और कन्याओं में भी दो प्रकार की कन्याएं हैं, एक रुद्रमाला की कन्याएं जो जन्म जन्मांतर के कौन से स्वभाव के हैं, पुरुष स्वभाव के हैं, और दूसरी विजयमाला की कन्याएं जो जन्म जन्मांतर की रानी के स्वभाव के हैं। ऐसी कन्याओं के द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराते हैं। अमृत बांटने का काम कराते हैं। इसलिए अमृत बांटने की बात जो आई है उसमें कौन सी कन्याएं विजयी हुई, रुद्रमाला की विजयी होती है या विजयमाला की कन्याएं विजयी होती है? विजयमाला में अव्वल नंबर कौन, लक्ष्मी के सर पर ज्ञान का, ज्ञान अमृत का कलश रखा जाता है। ज्ञान का कलश रखा जाता है या ज्ञान अमृत का कलश रखा जाता है, है? ज्ञान अमृत क्यों कहा, जिसको पीकर देवता बन देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान सुनाया गया, जो वेद वाणी ब्रह्मा के मुख से निकली, उन वेदों की ऋचाओं का अर्थ कोई की समझ में नहीं आता, तालमेल ही नहीं बैठता। इसलिए आज की दुनिया में ये बुद्धिवादियों की दुनिया है। आज की दुनिया कैसी है, बुद्धिवादियों की दुनिया है। उनकी बुद्धि में उन वेदों का कोई महत्व नहीं रहा। अगर महत्व होता तो क्या करते, उन वेदों को पढ़ते, समझते, समझाते। तो उन वेदों का जो मनुष्यों ने इंटरप्रिटेशन किया, व्याख्याएं की हैं, उनको पढ़ते हैं, समझते हैं और दूसरों को समझाने का प्रयास भी करते हैं। तो ब्रह्मा का मुख है, बड़ी मां का मुख, दुनिया की बड़े से बड़ी मां, उसके मुख से जो वाणी निकलती है वो बच्चों की पढ़ाई के लिए है या बड़ों की पढ़ाई के लिए है? मां तो बच्चों को पढ़ाती है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, बुद्धिमान हो जाते हैं, होशियार हो जाते हैं, तो मां नहीं पढ़ाई पढ़ा पाती। इसलिए बाप को स्वयं आकर के पढ़ाई पढ़ाना पड़ता है, बाप के रूप में, जगत पिता के रूप में। तो जो बाप आकर के जगत पिता के रूप में पढ़ाई पढ़ाते हैं उसको कहा जाता है ज्ञानामृत। सिर्फ ज्ञान नहीं, इसलिए मुरली में बोला था क्या,
अभी ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि अमृत तो मंथन करके निकलता है, जैसे दूध का मक्खन करें मंथन करें, दही का मंथन करें तो मक्खन निकलता है, ऐसे ही एडवांस ज्ञान जब शुरू होता है, ऊंची पढ़ाई, तब विचार सागर मंथन होता है, और उस विचार सागर मंथन से जो अमृत कलश निकला वो नंबरवार कन्या माताओं के ऊपर रखा जाता है कि तुम्हारी जिम्मेवारी है इस अमृत को बांट करके मनुष्य आत्माओं को क्या बनाओ, अमृत बांट करके अमर बनाओ। नाम ही है अमृत, मृत, मृत माने जो मुर्दा, अमृत माने जो मुर्दा ना बने, मरे ही नहीं, तो वो कौन सा अमृत है जो पी करके देवताएं अमर बन गए? है ज्ञान अमृत है, और वो ज्ञान अमृत भी किसके द्वारा बांटा जाता है? जो देवता बन जाते हैं ब्राह्मण, किसके द्वारा बांटा जाता है? हैं? पवित्र कन्याओं के द्वारा जब बांटा जाता है, उनकी पवित्र दृष्टि, उनकी पवित्र वाचा, उनके पवित्र वाइब्रेशन, वो ज्ञान जब निकलता है तो उससे सृष्टि क्या बनती है? नरक से स्वर्ग बन जाती है। तो बताया कन्याओं को नौकरी नहीं करनी है तो कन्याओं को वो पढ़ाई है नौकरी वाली, पेट के धंधे वाली, एक जन्म में काम आने वाली वो पढ़ाई पढ़नी भी नहीं है। यहाँ तो बाप आत्मा को पढ़ाने आए हैं, और दुनिया वाले जो पढ़ाते हैं वो किसको पढ़ाते हैं? आत्मा को पढ़ाते हैं, या आत्मा की पढ़ाई पढ़ाते हैं, काहे की पढ़ाई पढ़ाते हैं? इंजीनियर बनाएंगे, कलेक्टर बनाएंगे, मिनिस्टर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, वकील बनाएंगे, जज बनाएंगे, ये अनेक जन्मों की पढ़ाई है या सिर्फ एक जन्म की पेट की पढ़ाई के लिए पढ़ाते हैं? एक जन्म की पढ़ाई के लिए पढ़ाते हैं। तो वो एक जन्म की पढ़ाई क्यों पढ़ावे? क्यों पढ़े? पेट की पढ़ाई के लिए कन्याओं को माथा मारने की दरकार नहीं है। क्यों माथा मारने की दरकार नहीं है? स्वाधीन बनना है या आधीन बनना है? तो जब स्वाधीन बनना है, अपने पैरों खड़े होना है, तो कुछ धंधा करना पड़े या नहीं करना पड़े? है क्या धंधा करें? अरे ऊंचे ते ऊंचे धंधा करें, अनेक जन्मों को श्रेष्ठ बनाने का धंधा करें। वो तो कलेक्टर, मिनिस्टर, बालिस्टर, वकील बनाते हैं, और बाबा की पढ़ाई क्या बनाती है? बाबा की पढ़ाई जन्म जन्मांतर का राजा बनाती है। वो राजाएं स्वाधीन होते हैं या पराधीन होते हैं? स्वाधीन स्वाधीन होते हैं।
आज की पढ़ाई पढ़ करके, जिस पढ़ाई में विदेशियों ने अपने प्रकार की पढ़ाई का पुट ज्यादा रखा है, वो पढ़ाई क्या बनाती है, स्वाधीन बनाती है या आधीन बनाती है? कैसे? चलो सुप्रीम जज कोई बन जाए, ये लौकिक पढ़ाई पढ़ के, उससे ऊंचा तो कोई जज नहीं होता है, तो क्या वो आधीन है या नहीं है? हैं? आधीन नहीं है। वो जो भी जजमेंट देगा, मान लो किसी को फांसी दे दी, जिसको फांसी का आर्डर हो गया, वो व्यक्ति राष्ट्रपति के पास जाकर के याचना करता है और राष्ट्रपति उसको छोड़ देता है, तो किरकिरी हो गई कि नहीं हो गई? चाहे प्रधानमंत्री ही क्यों न है, वो भी आधीन है या नहीं आधीन है? वो भी आधीन है। राष्ट्रपति आधीन है या नहीं है? किसके आधीन है? है? 5 साल के लिए? नहीं, 5 साल वो तो छोटी अवधि है, वो तो है ही है, लेकिन जब तक मिनिस्टर्स के साइन नहीं होंगे तब तक वो पास नहीं कर सकता। तो कन्याओं को वो थोड़ा ही पढ़ाई पढ़ना है, जबकि बाप आया है क्यों नहीं पढ़ना है? है? कन्याओं को इसलिए नहीं पढ़ना है कि उन कन्याओं की परवरिश करने वाला कौन आया है? बाप आया है तो क्या चिंता है? भगवान पढ़ाने के लिए आया है, तो पतित मनुष्यों से हम क्यों पढ़ें? क्या किससे पढ़ें? ऊंचते ऊंचे भगवान आया है, ऊंचते ऊंचे पद राजाई का देने के लिए, तो हम नीचों से क्यों पढ़ाई पढ़ें? देखो ये बात बुद्धि में लगती है ना कि नहीं लगती है? लगती है। जबकि भगवान हमको पतित पावन बनाने और विश्व का मालिक बनाने आया हुआ है, तो हमको क्या लोड पड़ी है जो हम जाकर के पतितों से पढ़े? उनसे हमको क्या फायदा होगा? है? पतित हमको क्या पढ़ाई पढ़ाएगा? डकैत हमको क्या पढ़ाई पढ़ाएगा? डकैती डालना सिखाएगा। चोर हमको क्या पढ़ाई पढ़ाएगा? चोरी की पढ़ाई पढ़ाएगा। पंडित जी क्या पढ़ाएंगे? पंडिताई पढ़ाएंगे। अंधश्रद्धा सिखाओ और पैसे झड़कते रहो। तो पतितों से हम क्यों पढ़ें? पढ़ेंगे तो क्या होगा? वो पति तो बनाएंगे। दो पैसे की पाई पैसे की नौकरी मिलेगी, जो मिलेगा क्या मिलेगा नौकरी करने से? है? हीरे नहीं मिलेंगे, क्या मिलेगी? कौड़ियां मिलेंगी। ये क्यों कहा? हीरा तो रोशनी देने वाला है और कौड़ियां
कौड़ियों में तो अंधेरा होता है। अरे भाई, कोई पूछते हैं, भाई तुमको कितना पगार है? 500 कौड़ियां बताएंगे। तो जो 500 कौड़ियां बताई उस समय की बात, 66 की बात है। अभी तो 500 रुपयों का कितना मूल्य हो गया होगा, हैं? हाँ जी, तो बताया, उनको तो नशा रहेगा कि हमको इतना पगार मिलता है। तो भी तुम कह सकती हो, तुम तो कौड़ी तुल्य हो, क्यों क्यों कह सकती हो? कौड़ी तुल्य क्यों हो? कैसे कह सकती हो? समझाए भी सकती हो? तुम जो इतना पगार कमाते हो, किस लिए कमाते हो? अरे वो क्या जवाब देंगे? शादी करेंगे, मकान बनाएंगे। जैसे गीता में कहा, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसके सारे सारे संसार के जो भी कार्य हैं, वो काम विकार के संकल्प से रहित हो, वो श्रेष्ठ है। तो दुनिया जो भी धंधे कर रही है, उन धंधों का मूल लक्ष्य क्या है? काम विकार का सुख भोगना। हम भी सुख भोगे, हमारे बाल बच्चे भी सुख भोगे, यही तो बुद्धि में रहता है। तो वो जो सुख भोगते हैं, उसका रिजल्ट क्या आता है? स्त्री सुख भोगती है, उसका रिजल्ट क्या आता है? पुरुष सुख भोगता है जीवन भर, तो क्या रिजल्ट आता है? हैं? पुरुष जो सुख भोगता है तो अंत मते पौड़िया याद आ जाती है। तो अगला जीवन कौड़ी समान मिलेगा या हीरे समान मिलेगा? कौड़ी समान जीवन मिलेगा। बुद्धि में वो कौड़ी ही कौड़ी याद आती रहती है। इसलिए बताया, तुम उनको कह सकती हो, क्या तुम तो कौड़ी तुल्य हो, क्योंकि ये धन कमाने के पीछे तुम्हारा जो लक्ष्य है वो क्या है? हैं? अंत मते तुम्हारा क्या होगा? कौड़ी याद आएगी। ये सभी कौड़ी तुल्य है ना भाई। हमको 5 करोड़ तो हैं, बाबा कहते हैं 5 कौड़ियां हैं तुम्हारी, कोई कहे हम इतने धनी हैं कि हमारे पास 5 करोड़ हैं, तो बाबा कहते हैं 5 कौड़ियां हैं तुम्हारी। क्यों कौड़ियां कहते हैं? अरे ये कौड़ियां तो अब सब भस्म हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, उनकी कुछ वैल्यू है क्या? कुछ भी वैल्यू नहीं। अरे कौड़ियों की तो बात छोड़ो, इस दुनिया में जो कुछ भी इन आंखों से देखते हो,
ना मनुष्य की वैल्यू है और ना धन की, ना मकान की, ना इस सारी दुनिया की कोई वैल्यू है। क्यों? क्यों सारी दुनिया भस्म होने वाली है, इस दुनिया की कोई वैल्यू नहीं। किस दुनिया की? जो अभी दुनिया वर्तमान में है उसकी कोई वैल्यू नहीं। 66 की वाणी है तो इसे क्यों लगा दिया? उस दुनिया की वैल्यू है? ये उस माने जो संगम की स्वर्णिम दुनिया आने वाली है उस दुनिया की वैल्यू है और इस दुनिया की कोई वैल्यू नहीं है। इसको कहा जाता है भरतनाट्य पैनी। क्या? एक पैनी की भी कीमत नहीं है, क्योंकि जो भस्म होने वाली चीज है उसकी कोई वैल्यू नहीं। समझा ना? तो जो इन बातों को नहीं समझते हैं वो सभी हैं पत्थर बुद्धि। ये तो तमो प्रधान है। क्यों तमो प्रधान है? जो इन बातों को नहीं समझते हैं तमो प्रधान क्यों है? किस बात से तमो प्रधान बनते हैं? किस बात से सतो प्रधान बनते हैं? है? नहीं, अमृत से सतो प्रधान बनते हैं देवता और विष से वैश्यालय के बनते हैं। इसको कहा ही जाता है वैश्यालय। क्या? इस दुनिया को क्या कहा जाता है? वैश्यालय। क्यों कहा वैश्यालय? हैं? वैश्यालय में कौन होती है? वैश्याएं होती हैं। जो भी उनके पास आएगा उनकी चिरौरी करनी पड़ती है, खिदमत करनी पड़ती है। किस बात के लिए? है? वैश्या के घर में कोई जाता है उसकी खिदमत क्यों करती है? क्या लेने के लिए? है? कौड़ियां लेने के लिए। वो ये धंधा जो करती है वो पेट की कौड़ियों के लिए ये धंधा करती है। बाबा कहते हैं ये सारी दुनिया क्या है? अभी है वैश्यालय है। भाई उनका क्या मूल्य होता है? है? नहीं, उस वैश्यालय का कोई मूल्य नहीं, कुछ भी नहीं है ना। और फिर बाबा आकर कहते हैं चलो बच्चे चलेंगे। कहाँ? वैश्यालय का तो कोई मूल्य नहीं। बाबा आते हैं क्या कहते हैं? कहाँ चलोगे? शिवालय में चलोगे। शिवालय में क्या होगा? अगर आधीनता भी है तो किसकी? अनेकों की या एक की? एक की। यादगार बने हुए हैं, शिव के मंदिर बने हैं ना। आलय माने घर, शिव माने शिवालय माने शिव बाबा का घर। यादगार है। किस बात की यादगार है? इस बात की यादगार है कि मंदिर में बीच में रखा है शिवलिंग
और आसपास दीवालों में मूर्तियां रखी हैं देवी देवताओं की, क्यों ऐसे क्यों? परिवार है, परिवार हाँ, बीच में मुखिया है परिवार का मुखिया, और आसपास सब बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं सतयुग में चलेंगे, वो सत्य का युग है। सत्य किसे कहते हैं? है सच्चाई क्या है? सत्यम, शिवम और सुंदरम। जो सच्चे है वो ही कल्याणकारी होता है, जो कल्याणकारी है वो ही सुंदर है। कितना भी सुंदर हो लेकिन न अपना भला कर सकता है और न दूसरों का भला कर सकता है। वैश्याएं भी तो बड़ी बड़ी सुंदर होती है ना, अपना भला कर पाती हैं और दूसरों का भला करती हैं? नहीं करती है। तो बोला जो सत्य है वही सुंदर है और वही कल्याणकारी है। अच्छा, अभी शायद बच्चे आए हैं, उनसे मुलाकात करनी है। टोली खिलानी है, किताब कक्ष में उठाया, गई स्कूल में, यहां का ख्याल खत्म। समझती है हम पढ़े फैशनेबल बने, क्या करें फलाना बने, ये बने वो बने। नहीं बच्ची, ये बाबा तो कहते हैं अच्छा अच्छा पढ़ो पढ़ो, देखते हैं पढ़ने की दिल है। इस तरफ में रुख नहीं है, किस तरफ में? जो नई दुनिया बनने जा रही है, जिस पढ़ाई से, उस पढ़ाई में रुख नहीं है तो कहते हैं वो पढ़ो, नहीं तो बोले बाबा हम उस पढ़ाई को क्या करेंगे। हम उस पढ़ाई को लात मारूं? लात मारूं हम इस पढ़ाई को? हम ये पढ़ाई पढ़ी हुई है तो हम क्यों ना अंधे की लाठी बने। तो जब कोई कहेंगे हम क्यों ना अंधे की लाठी बने, तो जरूर कुछ न कुछ ज्ञान सीखी होंगी। तो जिनको ज्ञान होगा वो फट से कहेंगी बाबा हम तो उस नौकरी को लात मारती है। किसका लात मारने का चित्र दिखाते हैं? हैं? कृष्ण का चित्र दिखाते हैं। किसको लात मारता है? हैं? नरक की दुनिया को लात मारता है और स्वर्ग की दुनिया को हाथ में लेता है। तो जहां भगवान आया
हम जा करके पतितों से पावन पढ़े। हम क्या पढ़ेंगे उनसे? परंतु वो नशा बच्चों में नहीं है। वो ज्ञान नहीं है पराकाष्ठा का। तो बाबा कहते हैं हाँ पढ़ो पढ़ो मरो। मैं किसकी बात करता हूं? हाँ? अरे मुरली जो चल रही है तो पूछा मैं किसकी बात करता हूँ? कन्याओं की तो बात करता हूँ। मुरली तो वही है। कौन सी? जो कल पढ़ी गई थी। बेसिक में भी कल पढ़ी गई थी और एडवांस में भी वो ही पढ़ी गई है। तो बोलते हैं कन्याओं को बात कर, कन्याओं की मैं बात करता हूं तो देखना होता है ना। देखते हैं कि इनका इस तरफ में इतना शौक नहीं है, फिर भी ये पढ़ाई का शौक, नौकरी का शौक। तभी बाबा कहते हैं अच्छा अच्छा जाओ जाओ पढ़ो पढ़ो, भले ये भी पढ़ो वो भी पढ़ो, लेकिन आखिरी में तो यही सच्ची कमाई काम में आवेगी। आखरीन में सच्ची समाई यही है वो काम में आवेगी। ऐसे क्यों है? ऐसे क्यों कह दिया? नहीं, इसलिए कह दिया कि दुनिया में जो भी धंधे नौकरी चल रहे हैं आज, वो सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय पढ़ाई के, इसलिए वो सब फेल हो जाने वाले हैं। तो फिर क्या करेंगे? जब फेल हो जाएंगे वो सब धंधे चौपट हो जाएंगे तब क्या करेंगे? हैं? फिर यही सच्ची कमाई काम में आएगी। तो क्यों ना छोटेपन से ही, जबकि हमको मजा आता है इसे पढ़ने में और निश्चय हो गया तो इस पढ़ाई से बढ़कर के और क्या है? अरे कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं भी नहीं पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? ऊंचते ऊंचे भगवान पढ़ाते हैं। तो अभी भगवान से पढूं या शैतानों से पढूं? शैतान किसे कहा जाता है? हम भारतवासी भगवान का अपोजिशन करने वाले को कहते हैं, भगवान को कहते हैं राम, और अपोजिशन करने वालों को क्या कहते हैं? रावण। तो शैतान माने रावण। मुसलमानों में नाम दिया है शैतान। ये बुद्धि अभी तलक ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कुमारियों को आई नहीं है।
बाबा तो नहीं जोर से जोर रखेंगे ना। क्या कहा? माना बाबा कोई तरह की जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। जोर जबरदस्ती क्या है? पढ़ने के लिए। हाँ, जबकि दिल में उनको नशा होवे, शौक उठे। क्या शौक? कि क्या अभी भगवान पढ़ाते हैं? तो देखना था, देखना है। वो भगवान आया था ना, भगवान पढ़ाते हैं। पकवान पढ़ाते हैं, वो यहां भगवान तो कह नहीं सकते। पकवान कहते थे, तो बाबा समझाते हैं, बुद्धि कहती है अभी भगवान पढ़ाते हैं, भगवती और भगवान बनाने के लिए। अच्छा, तो हम क्या शैतान से पढ़ेंगी? शैतान से पढ़ेंगी तो क्या बनेंगी? है शैतान तो रावण को कहा जाता है। रावण से पढ़ेंगी तो क्या बनेंगी? अरे शैतान तो पुरुष था, ये तो स्त्री चोला है। रावण संप्रदाय है? नहीं, रावण की पत्नी का नाम क्या था? है मंद उदरी। मंद माने है मंद बुद्धि, उदरी माने पेट। कैसा बुद्धि रूपी पेट? मंद बुद्धि, बुद्धि वाला पेट। तो शैतान से क्या पढ़ेंगी? कुछ भी नहीं। शैतान से पढ़ने से शैतान और शैतानी और कुछ भी नहीं होता है। बाबा तो आज कन्याओं को देखते हैं सामने, तो बाबा इनको ललकार करते हैं, इतनी ज्ञान की ललकार करते हैं और इनको नशा नहीं चढ़ता है। नशा नहीं चढ़ता है तो इनसे पूछते भी नहीं। देखता हूं इनका मुख इस तरफ में है, और लात उस तरफ में है। कहां है लात? किस तरफ में है? ऐसे हुआ ना, लात लात उस तरफ में है। माना उस तरफ क्या है, इस तरफ क्या है? हाँ, उस तरफ है नई दुनिया आने वाली, और इस तरफ ये पुरानी दुनिया है।
तो पुरानी दुनिया की तरफ इनका मुख है और नई दुनिया की तरफ लात है। उल्लू कैसे लटकता है, बाबा बोलते हैं उल्लू है चमगादड़ की बात, उल्लू कैसे लटकता है, है लात ऊपर की ओर, ऊंची दुनिया की ओर लात और नीची दुनिया की ओर मुख रहता है। तो ये उल्टे हैं। बाबा कहते हैं ना अभी सुल्टे बनो, तो देखते हैं कि मुख है उस पढ़ाई के ऊपर। किस पढ़ाई के ऊपर? उस माने दुनिया भी पढ़ाई की तरफ, लात है इस पढ़ाई के ऊपर, चलन ऐसी देखने में आती है बाबा को। तो फिर उनको क्या करता हूं, हैं? उनको छोड़ देता हूं। कब की बात है, हैं? हैं? 66 की बात है। है ये बात है उस समय की, जबकि माया फाइनल परीक्षा लेगी। तो उस माया फाइनल परीक्षा में जिनकी बुद्धि भस्म होने वाली दुनिया की तरफ है, वो सब उसी दुनिया में चले जाएंगे, और जिनकी बुद्धि नई दुनिया की तरफ है कितने निकलेंगे? 8 निकलेंगे। तो देखते हैं उस पढ़ाई के ऊपर बुद्धि जाती है तो छोड़ देता हूं। अच्छा भले पढ़े। ओम शांति।